स्पोर्ट्स बाइक का आवाज़ तो नहीं है एनफील्ड को, मतलब बिल्कुल ही अलग ही आवाज़ है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम मैवरिक, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस अभी मैं मेरे होम टाउन में हूँ जो है दिमापुर, एंड ये मेरा भाई तम्बुक, हाय बोल दो। तो उसी का बाइक चलाने जा रहा हूँ गाइस अभी। तो ये रॉयल इनफील्ड 350 cc क्लासिक, एक स्पीड मार के आता हूँ, ठीक है। तो अभी दिखाने जा रहे हैं कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि कुछ तो हटके है बोल रहे हैं जिस जो बाइक को ही मालूम है। वैसे आज ही पहुँचा गाइस मैं बैंगलोर से, फ्लाइट डायरेक्ट, मतलब 4 घंटे या 5 घंटे में पहुँच गया था। तो फिलहाल बिना कुछ देरी किए चलाते, एक स्पीड मार के आऊँगा, इतना दूर तो नहीं जाऊँगा गाइस क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब है। तो थोड़ा एक छोटा सा राइड करके आ जाऊँगा, ठीक है। तुम बुक तो गाइस फिलहाल चला रहा हूँ रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 दिमापुर का रोड में। तो इस वाली साइड में थोड़ा तो रोड ख़राब है गाइस, देख सकते हैं रोड ख़राब होने के कारण बहुत सारे डस्ट, धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाता है। तो फिलहाल थोड़ा ही दूर में, मतलब 100 मीटर के बाद अच्छा रोड आएगा गाइस। तो फिलहाल कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, और वैसे भी जैसे रॉयल इनफील्ड चला रहा हूँ तो इतना बम्पी तो फील नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका सीट और उसका सस्पेंशन ऐसे रोड के लिए बना है, इंडियन रोड के लिए। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन दिमापुर व्लॉगिंग प्रॉपर व्लॉग, क्योंकि मुझे पता था गाइस इस बार जो है मैं थोड़ा सा तो मोटो व्लॉग तो करूँगा, इसलिए मैंने हेलमेट लेके आ गया। और अभी इतना दूर तो नहीं जाऊँगा गाइस क्योंकि मेरा भाई का भी काम है, तो थोड़ा शॉर्ट डिस्टेंस राइड करके आ जाऊँगा। ऐसा नहीं गाइस कि रोड दिमापुर का ख़राब है गाइस, केवल इसी यही वाला एरिया का थोड़ा सा ख़राब ही है, बाकी सब आगे मस्त रोड है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम व्लॉग करके मज़ा आ रहा है, मतलब खुद के होम टाउन में। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, वैसे अभी दिसंबर का मंथ चल रहा है लेकिन अभी तक इतना ठंडी मौसम तो नहीं है। तो देख सकते गाइस मैं टी शर्ट पहन के आ गया, रात के समय थोड़ा तो ठंडी बढ़ जाता है, तो थोड़ा अच्छा वाला रोड पे जाके ब्लॉक करूँगा गाइस। तो गाइस फिलहाल पहुँच गए, कॉलोनी का ही रोड है लेकिन अच्छा सा, मतलब बम्पी रोड नहीं मिलेगा इधर। रॉयल इनफील्ड का वाइब्रेशन तो फील तो होता है, आई गेस हिमालयन और इंटरसेप्टर में इतना वाइब्रेशन नहीं है जैसे 350 में थोड़ा तो फील होता है। जैसे मैं NS चला था गाइस, मतलब स्पोर्टी बाइक, तो स्पोर्ट बाइक में तो आपको मालूम ही होगा गाइस इतना वाइब्रेशन आपको फील नहीं होता है, अंतिम अनलेस आप हाई स्पीड में ना चलाओ। मतलब रॉयल इनफील्ड का खासियत यही है गाइस कि आपको क्रूज़ के लिए बनाइए, इट्स नॉट मैन फॉर हाई स्पीड एंड ऑल। काफ़ी मतलब साइकिल वगैरह मैंने, अब जॉगिंग वगैरह मैंने काफ़ी किया है ये वाला रोड में, जैसे ऊपर है तो इधर स्टेमिना बिल्डअप करने में काफ़ी मज़ा आता था। और ये वाला एरिया को बोलता है गाइस फुल नागार्जुन। पहले आई गेस थ्री टू फोर ईयर्स बैक मैं उस तरफ रहता था, मतलब मेरा घर उस तरफ था जिसका एरिया का नाम हाफ नागार्जुन बोला जाता है। थोड़ा आगे एक ब्रिज मिलेगा, मतलब न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज, आई गेस 2 साल हो गए। और उसका थोड़ा आगे मेरा स्कूल, मतलब हाई स्कूल जहाँ पे मैंने मेरा 11th 12th कंप्लीट किया था, वो वाला दिखाई देगा रोड। मतलब स्कूल जो है अंदर की तरफ है गाइस, तो स्कूल तो नहीं दिखा पाऊँगा लेकिन साइन बोर्ड आपको दिखा दूँगा। तो ये गाइस ये वाला ब्रिज जो मतलब न्यूली कंस्ट्रक्टेड था वो है 2 साल पहले, एंड इधर नदी भी जाता है, मतलब ऐसा चलाता है यार पूरा इस तरफ आ रहा है, थोड़ा तो डिसिप्लिन होना चाहिए गाड़ी चलाते समय। स्कूल गाइस मैं इधर, ये मेरा स्कूल का रोड जो है ग्रीनर स्कूल, और देख सकते हैं गाइस जैसे क्रिसमस का सीज़न है काफ़ी सारे डेकोरेशन का चीज़ आपको मिल जाएगा रोड के आसपास, एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है मोटो ब्लॉग करने में फर्स्ट टाइम इन दिमापुर। तो पता नहीं गाइस मेरा वॉइस कैसा आ रहा है, ऑप्सो साउंड वगैरह क्वालिटी वगैरह सही आ रहा है, थोड़ा फील अप भी करना है बाइक में। इधर लोकल मुर्गियाँ बेच रहा है आंटी,
वही तो इधर है चर्च, स्पीड ऑफ एट चर्च। तो आई गेस सैटरडे सर्विस होगा तो आ जाऊंगा, संडे तो सर्विस होगा ही, क्रिसमस न्यू ईयर के दिन। ये रहा साइन बोर्ड स्पीड ऑफ एट चर्च, थोड़ा आगे जाके आऊंगा गाइस। ग्लव पहन के काफ़ी मज़ा आ रहा है, ग्रिप अच्छा मिल रहा है, रॉयल इनफील्ड का हैंडल ग्रिप में भी, मतलब भाई ने ये वाला हैंडल ग्रिप लगाए हुआ है तो ग्रिप का कोई इशू नहीं हो रहा है, मतलब स्लिप नहीं हो रहा है। काफ़ी सारे दुकानें वगैरह हो गया इधर, पहले नहीं था ये। काफ़ी सारे डेवलपमेंट आ चुका है, मतलब कुछ ही साल में, दो तीन साल। सो वेरी हैप्पी प्रोग्रेस देख के। ये वाला पेड़ कभी भी गिर सकता है यार, ऊपर कोई ब्रांच ही नहीं है और इतना बड़ा पेड़ है। ओह, इट फील्स गुड। तो गाइस यही है शॉर्ट राइड फिलहाल, मैं अभी यू टर्न ले लूँगा। ये वाला कैफ़े अभी भी है, खुदा कैफ़े। Yeah, this is a small part of Dimapur, guys. This is where I was born and brought up. ये वाला कॉलोनी में हमेशा मैं घूमता था, मतलब स्कूलिंग वगैरह इसी रोड से आते जाते होता था। फिलहाल मैं यूटर्न ले लेता हूँ। तो बिल्कुल बताया गाइस आप लोगों को दिमापुर का थोड़ा सा ग्लिम्स कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता के। फिलहाल थोड़ा पुल, रॉयल इनफील्ड का पुलिंग काफ़ी अच्छा है। आई गेस पीछे ड्रम ब्रेक लगाया हुआ है तो थोड़ा बाइक तो कम लग रहा है। साइड से निकल जाता हूँ। वैसे हमेशा आपको जो है राइट की तरफ से ही ओवरटेक करना होता है गाइस, बट क्या करें, रोड छोटा है तो कभी कभी करना होता है। तो काफ़ी सारी दुकानें तो हो गया है, पहले नहीं था। कोई नहीं, आज पहला दिन है गाइस दिमापुर में, तो धीरे धीरे एक्सप्लोर करूँगा मैं। वैसे 15 दिन के लिए आया गाइस इधर। आई विल बी गोइंग बैक टू बैंगलोर ऑन 6th। So I guess I have around 14 days more. Today is 22nd of December. तो ये वाला पेट्रोल पम्प भी नया खोला है गाइस, देख सकते हैं। पहले इधर कुछ तो डिफेंस का एरिया था, ये वाला डिफेंस का एरिया। तो वो इस कैसा आ रहा है गाइस बिल्कुल बताया कमेंट सेक्शन में। या गाइस ये शॉर्ट राइड काफ़ी मज़ा आ रहा है। ओवरटेक कर सकता हो कि नहीं? नहीं यार, आराम से जाएंगे, कोई नहीं, कोई जल्दी भी नहीं है मुझे। तो गाइस उधर आगे एक पेट्रोल पंप था लेकिन अभी बंद है, तो मुझे उधर ही जाना होगा। इधर मेरा दोस्त भी रहा करता था लेकिन अभी आई एम नॉट श्योर इफ इज देयर और नॉट। थोड़ा फिल अप करना है। 100 का भरा दो भैया, 100। तो गाइस एंगल कैसा आ रहा है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, फील अप ऐसा हो गया है और इसको न्यूट्रल में तो नहीं आ रहे, न्यूट्रल हो गया। तो फिलहाल घर चलते गाइस। तो रोड तो काफ़ी छोटा है इधर लेकिन गाड़ियाँ बहुत ही बड़ा बड़ा है और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा तेज़ से आता है। रेफ करके देखता हूँ एक बार। स्पोर्ट्स बाइक का आवाज़ तो नहीं है इनफील्ड का, मतलब बिल्कुल ही अलग ही आवाज़ है रॉयल इनफील्ड का।
आई गेस हिमालयन का थोड़ा सा तो स्पोर्टी साउंड आता है, 350 का तो इट साउंड्स लाइक एन रॉयल एनफील्ड, व्हाट कैन आई से। तो पूरा नया रॉयल एनफील्ड का तो आराम आराम से चलाना होता है गाइस। बट ऑनेस्ट ओपिनियन मेरी तरफ से गाइस, आई विल प्रिफर ए स्पोर्ट्स बाइक इंस्टेड ऑफ दिस थिंग्स, बिकॉज एक होता है मतलब एक डोंट गेट मी रॉन्ग, बट एक मज़ा नहीं आ रहा है मतलब स्पोर्ट्स बाइक में जो आता है ना वो जो इंस्टेंट पुल होता है। या आई एम श्योर इट विल बी गुड, दिस थिंग्स विल बी गुड फॉर लॉन्ग जर्नी एंड फॉर यू नो ऑफ रोड एंड स्टफ्स, टेरेन टू ओवरकम टेरेन एंड ऑल, बट इन सिटीज लाइक दिस यू नीड दिस गुड पुलिंग बाइक्स। सो गाइस यप, वेलकम टू दिमापुर। तो ये वाला है अपहिल, अपहिल वगैरह में तो अच्छा से परफॉर्म करता है बाइक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो गाइस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, मैंने वैसे इतना एडिटिंग भी नहीं किया, बस आई वांटेड टू कीप इट एज स्लो एज पॉसिबल, जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस द लैंडस्केप लिटिल बिट ऑफ दिमापुर। वैसे टाउन तो थोड़ा आगे जाना होता है गाइस, और इधर एक वैली व्यू सुमी बैप्टिस्ट चर्च एंड यप गाइस, टाउन के लिए जो है गाइस आपको आई गेस 500 मीटर आगे जाना होता है जहाँ तक मैं गया उस उधर से, तो टाउन का भी दिखाऊंगा गाइस नेक्स्ट टाइम। फॉर नाउ आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग, होप यू गाइस एंजॉयड, डू मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड या गाइस लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी चेंज इन दिस वर्ल्ड, बी हिस्ट्री मेकर, गॉड ब्लेस गाइस, पीस, बाय बाय।